अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, लेकिन ठहरिए जरा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्जी, जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक से पकाई और खाई जाती है। अब मसला वहाँ पेश आता है कि जब आपको तो सब्जियाँ खाने का बहुत शौक हो, लेकिन घर में सब्जी का नाम सुनते ही मुंह बसोर लिया जाता हो। लेकिन मजा तब आता है कि जब वही ना ना करने वाले एक रोटी के बाद दूसरी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो फिर आप तिरछी तिरछी निगाहों से देखते भी जाते हैं और मुस्कुराते भी जाते हैं। आज बनाइए मेरी रेसिपी से ये चटपटी, मजेदार और लजीज मिक्स सब्जी, और उन लोगों को भी खाने पर मजबूर कर दीजिए जो सब्जियों को हाथ नहीं लगाते। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सी भी सब्जियां ले लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ी सी हरी प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 8 से 9 लहसुन के जवे, 2 दरमियाने साइज के टमाटर और 1 कप हरा धनिया। यहाँ मैं तकरीबन आधा कप के करीब सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियां सरसों के तेल में ही ज्यादा मजा देती हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून सफेद जीरा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए लहसुन के जवे, और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये खुशबू नहीं आ जाती। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेंच बीन्स, जिन्हें शायद सब्ज फलियाँ कहा जाता है, और ये खास तौर पर सर्दियों में आती हैं। ये मुझे थोड़ी सी पकी हुई लग रही थी, इसलिए मैं इनको हल्का सा पहले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। फलियां हल्की सी नरम हो चुकी हैं, अब हम इसमें हरी प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। एक दो मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे और अब इनमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद तमाम सब्जियां इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इस वक्त जो है वो सब्जियां ताज़ा हैं, नए आलू आए हुए हैं जो कि एक भाप में गल जाते हैं, इसलिए टमाटर पहले से डाल दिया है। वैसे आमतौर पर टमाटर हमेशा आखिर में डाला जाता है, अदरवाइज वो सब्जियों को गलने नहीं देता। अब मेथी के अलावा तमाम सब्जियां हम इसमें डाल देंगे, जिसमें आलू, मटर, फूलगोभी और गाजर शामिल हैं। और अब बारी है मसालों की। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सब्जी का कलर और जायका दोनों बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हसबे जरूरत नमक। दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर हम लेयर लगा देंगे मेथी और सोए की। मेथी के मुकाबले में सोया बहुत थोड़ा सा डलता है, बिल्कुल मामूली सा, और उसके बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हमारी मिक्स सब्जी तैयार हो चुकी है। सबसे आखिर में हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया से, क्योंकि हरा धनिया है तकरीबन हर खाने की जान। तो ये लीजिए जनाब, मजेदार, आसान और चटपटी मिक्स सब्जी तैयार है, और बेसन की रोटी हो साथ में तो फिर मजा ही आ जाता है। बेसन की रोटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। जरूर बताइएगा कि आपको ये आसान सी मिक्स सब्जी की रेसिपी कैसी लगी।